ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है, ये आपका जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर्स है? थ्री पार्टनर्स है। तो हियर यू विल राइट पर्टिकुलर, देन दिनेश, देन रमेश, देन सुरेश। पर्टिकुलर, देन दिनेश, देन रमेश एंड देन सुरेश। ओके, तो जो है यहाँ पे अब आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप कितना लिखेंगे? कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? अगर आप देखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल में, जो दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल में दिनेश, रमेश और सुरेश 1,80,000 एंड 70,000। ओके, तो हियर यू विल राइट 1,00,000, देन 80,000, देन 70,000। ओके, जस्ट वेट। ओके मैम, ओके, नाउ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 एंड 70,000। ओके, यू हैव टू रिटर्न हियर, देन आफ्टर राइट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट।
यस, देन आफ्टर यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आप देखेंगे कितना यहाँ पे किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर हमने कल जनरल एंट्री में लिखा था 15,000, 15,000 एंड 10,000। सो हियर यू विल राइट 15,000, 15,000 देन 10,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व। क्योंकि आप लोग देखोगे यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, 80,000 दिया है। ओके, तो 80,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर, और इसको आप कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व कितना आएगा, हमने कल कैलकुलेट कर किया था 30, 30 एंड 20। ओके, सो हियर यू विल राइट 30,000, 30,000 देन 20,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो है गुडविल का ट्रीटमेंट किया था। गुडविल का जो जनरल एंट्री हमने यहाँ पे किया था, ये गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट हमने किया था, निकाला था गुडविल का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नंबर्स ऑफ ईयर करके, देन आफ्टर एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, देन दिनेश और रमेश और सुरेश का जो है सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग एंड गेयरिंग रेशियो आया था, देन वी हैव टू जनरलाइज इट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रमेश कैपिटल अकाउंट। ओके, हियर इज द जनरल एंट्री। इसी को जो है हम इसको अपने इसी को जो है हम अपने इसमें लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे सुरेश कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या दिया हुआ, डेबिट दिया हुआ। ओके, डेबिट मीन 7,500। तो वेयर यू विल राइट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हियर यू विल राइट, ओके, इन क्रेडिट साइड बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट। ओके, सुरेश कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट आप लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, क्योंकि सुरेश के अकाउंट में किसका कैपिटल जा रहा है, दिनेश और रमेश का अमाउंट जाएगा। ठीक है, दिनेश और रमेश के अकाउंट से है जो है वो क्रेडिट होगा। सो मीन्स सुरेश के कैपिटल से जो है दिनेश और रमेश के में क्रेडिट होगा, इसीलिए सुरेश का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जो अमाउंट लिखेंगे वो दिनेश और रमेश के में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट जो हो रहा है वो दिनेश और रमेश के में हो रहा है। ओके, ठीक से सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। यहाँ पे जो है जनरल एंट्री जो हो रहा है यहाँ पे तो आप सिंपल देख सकते हो कि जनरल एंट्री है आपका सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू दिनेश कैपिटल अकाउंट टू रमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है यहाँ पे जो। लेकिन अब जब उसको कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे बाई सुरेश कैपिटल अकाउंट, और लेकिन अमाउंट दिनेश और रमेश के में डालेंगे। और सेम अगर आप दिनेश और रमेश का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे डेबिट साइड में तो सुरेश के अकाउंट में लिखेंगे। आई विल शो यू, जस्ट वेट। सी हियर यू विल राइट 3,750, देन 3,750। ओके, ये हो गया। अभी जो है हम दिनेश का लिखते हैं, टू दिनेश, टू दिनेश। जो दिनेश के अकाउंट में लिखेंगे वो किसके किसके अकाउंट में लिखेंगे, यहाँ पे रमेश और सुरेश का हो गया ना, ठीक है, सॉरी दिनेश और रमेश के में हो गया। अभी सुरेश के में लिखेंगे, तो सुरेश के में कितना लिखेंगे, दिनेश का अमाउंट कितना था, 3,750, और रमेश का कितना था, टू रमेश, कितना लिखेंगे, 3,750। ओके, ऐसे आप लिखेंगे। अगर आप इन दोनों को टोटल करेंगे ना तो 7,500 आएगा, जो कि हमने यहाँ पे 7,500 सुरेश के कैपिटल में जो है लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन हम दिनेश और रमेश के अकाउंट से डेबिट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हियर वी विल राइट सुरेश के अकाउंट में दो अमाउंट को स्प्लिट करेंगे, मतलब दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे। जो अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा उस अमाउंट को हमने यहाँ पे लिखा। ओके, अगर सिंगल पार्टनर होता है, मान के चलो रमेश नहीं है दिनेश है सिर्फ, हम दिनेश का सिर्फ अमाउंट लिखते, लेकिन यहाँ दो पार्टनर्स है ना, इसलिए हम सुरेश के अमाउंट में दिनेश के अकाउंट से कितना डेबिट हो रहा है और रमेश के अकाउंट से कितना डेबिट हो रहा है सुरेश के अकाउंट से, तो ये हम ऐसे लिखेंगे।
ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम, क्लियर, क्लियर है ना? अभी जो है अब कुछ नहीं है इसमें करने के लिए, पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ आप करेंगे अपन बैलेंसिंग। ओके, अब अपन क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले आप लोग इनको टोटलिंग करेंगे, तो इन सबको अगर आप टोटलिंग करोगे तो आपका आंसर जो आएगा, टोटलिंग करने के बाद आपका आंसर आएगा 1,48,750, क्योंकि यहाँ पर आपका ज्यादा है ना। यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ पे आपका मैक्सिमम है, बट यहाँ पे दिनेश के में निल है। तो यहाँ पर आप टू बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 1,48,750। ओके, ये बैलेंसिंग हो गया तो आपका यहाँ पर 1,48,750 आ गया। अब नेक्स्ट रमेश, रमेश का टोटलिंग करोगे तो आपका इसका आएगा 1,28,750। ओके, तो यहाँ पर जो आएगा आपका 1,28,750, 1,28,750। तो आप यहाँ पर बैलेंसिंग लिखें तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1,28,750। ओके, नाउ अगेन यू विल राइट 70,000, देन 10,000, देन 20,000। आप यहाँ पर टोटलिंग करोगे तो आपका कितना आएगा, 1,00,000 आएगा, है ना? यहाँ पर आप 1,00,000 लिख देंगे। 1,00,000 लिखने के बाद ये जो 750 है, इन दोनों का प्लस करोगे ना तो 7,500 आएगा। तो 7,500 को जो है 1,00,000 से माइनस कर देंगे, तो यू विल गॉट 92,500 आएगा। यहाँ पर आप टोटलिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,00,000। ओके, कंप्लीट है? समझ में आया ये वाला? ये बस मैंने अभी बैलेंसिंग किया, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ मैंने जो है बैलेंसिंग किया है, बाकी जो है आपको यहाँ पर, हाँ मतलब जैसे ये फर्स्ट वाला जो दिया है उसको पहले फर्स्ट इधर वाले से माइनस करेंगे, डेबिट वाले के फर्स्ट वाले से, हाँ दिनेश का दिनेश से करेंगे, हाँ रमेश का रमेश से करेंगे, सुरेश का सुरेश से करेंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ, ये बैलेंसिंग तो आप कर लोगे, लेकिन अंदर का जो ये सब जो आप लिखते हैं ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, वो आप लोग को थोड़ा सा सीखना है, ठीक है? अभी जो है हम करेंगे बैलेंस शीट, ठीक है? इसी क्वेश्चन का जो है हाँ, इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट करते हैं, ठीक है? बैलेंस शीट के लिए ये फॉर्मेट मैंने बना के रखा ऑलरेडी, बस यहाँ पे मेरे को बैलेंस शीट करके लिखना है, क्योंकि बेटा लाइव क्लास है ना, हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है कुछ भी, जब बोर्ड में करते हैं तो थोड़ा अलग होता है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ी सी तैयारी करके रखनी पड़ती है। सो हियर बैलेंस शीट हमने लिखा, लाइबिलिटीज अमाउंट, देन एसेट्स, देन अमाउंट। ओके, ये कंप्लीट हो गया बैलेंस शीट। अरे हरामी, इतने लड़की लोग के साथ बनाते हैं, हम लोग के साथ भी बना लिए। ओहो अंजलि, अंजलि म्यूट योर सेल्फ। मैम मेरा नहीं है, वो तन्नू का है। तनुश्री आप ऐसा मत करो, जो भी बोल अपने घर वालों को प्लीज म्यूट ऑफ, माइक ऑफ करके बोलिए, लाइव क्लास है, लाइव क्लास हो रही है और रिकॉर्ड हो रही है। जब आप यूट्यूब में देखेंगे इसको तो फिर आपका पूरा वॉइस वहां पर जाता है। ओके, सो इसलिए थोड़ा सा आप लोग वो करके रखेंगे। ओके, नाउ बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट, हियर इज अमाउंट। अब अपन जो है बैलेंस शीट करेंगे, तो बैलेंस शीट का सबसे पहले आप देखोगे ये पुराना बैलेंस शीट है, इसी पुराने बैलेंस शीट के साथ ही जो है हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे। सो यू विल राइट हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश इन हैंड, जस्ट वेट, कैश इन हैंड, सॉरी कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में आप लिखेंगे 40,000। देन बिल रिसीवेबल,
तो आप बी आर भी लिख सकते हैं। हम पहले एसेट साइड का बना रहे, देन लाइबिलिटी साइड का बनाएंगे। ओके, तो कैश इन, कैश एट बैंक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। बिल्स रिसीवेबल कितना दिया है? 15,000, 50,000। देन डेटर्स, माइनस बैड डेब्ट रिजर्व, 3,000। 60,000 माइनस 3,000 कितना जाएगा? 57,000। ओके, 57,000 जो है उसका अमाउंट आएगा। नेक्स्ट इज स्टॉक, स्टॉक का यहाँ पे जो है कुछ ट्रीटमेंट था। स्टॉक का जो है ऑलरेडी आपको कौन सा लिखना है? ये वाला लिखना है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस अप टू 1,12,000। तो इसी अमाउंट का आप लिख देंगे, क्योंकि हमने जब रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका बनाया था, जब जर्नल एंट्री हम इसके किए थे, तो हमने क्या किया था, स्टॉक जो पहले था वो 1,20,000 था, और बाद में जाके ये रिड्यूस हो गया। कहाँ तक रिड्यूस हो गया? 1,12,000। तो हमने इसको माइनस करके लिखा था 8,000। 8,000 जो है हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था। ओके, तो इसलिए अभी जो हम स्टॉक का वैल्यू लिखेंगे वो 1,12,000 का लिखेंगे। सो हियर यू विल राइट 1,12,000। सॉरी, देन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया हुआ? 2,80,000। 2,80,000 में अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी कितना है, फिक्स एसेट जो है विल बी वैल्यूड एट 3,31,000। 3,31,000 जो है आप यहाँ पे लिख देंगे, 3,31,000। ओके, आप यहाँ पे लिखेंगे, क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे आगे जाके फिक्स वैल्यू का जो वैल्यू है वो बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? हमने यहाँ पे कल माइनस करके लिखा था फिक्स एसेट्स के साथ, तो हमारा 59,000 समथिंग कुछ आया था। ओके, अगर आप लोग कल क्लास अटेंड किए होंगे तो आप लोग को पता होगा 51,000 जो है इसका कैलकुलेशन करने के बाद आया था। अगर आप 3,31,000 से माइनस करेंगे इसको 2,80,000 का, तो आपका 51,000 आएगा। ओके, तो हमने 51,000 जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था, बट अभी जो हम फिक्स एसेट लिख रहे हैं वो कितना लिख रहे हैं? 3,31,000। ओके, नाउ क्रेडिटर। अब हो गया एसेट साइड का, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। देखो फिक्स एसेट तक था पूरा, तो हमने पूरा फिक्स एसेट तक जो इसको कंप्लीट कर लिया। नाउ हम जो अभी क्रेडिटर्स, अभी हम लाइबिलिटी साइड का लिखेंगे। सबसे फर्स्ट है इसका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, 1,50,000। देन जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे, बिकॉज जनरल रिजर्व जो है ऑलरेडी हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, है ना, बाय जनरल रिजर्व करके 30,000, 30,000 and 20,000 जो है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो अभी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको। देन हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन दिया हुआ है। अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग देख सकते हो, पार्टनर्स लोन दिनेश, दिनेश को कितना दिया हुआ? 40,000। देन रमेश को जो दिया हुआ है वो है 30,000। ओके, इसको आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 70,000। ओके, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी लोन का अकाउंट का हो गया, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? ये जो अमाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम पुराना वाला नहीं लिखेंगे। ओके, ये जो पुराना वाला कैपिटल अकाउंट है इसको हम नहीं लिखेंगे, इसका अमाउंट हमने जो अभी बैलेंस कैरिड डाउन जो लिखा है यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे अभी इस वाले न्यू बैलेंस शीट में। तो हियर विल राइट दिनेश, देन रमेश एंड देन सुरेश। दिनेश के में कितना है? 1,48,750। सो हियर यू विल राइट 1,48,750। देन आर का है, रमेश का है 1,28,750। देन सुरेश का है 92,500। ओके, तो ये जो है हमने कहाँ से लिखा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से लिखा है। तो हम जब इसको प्लस करेंगे
प्लस करने के बाद आपका इसका आएगा 3,70,000। ओके 3,70,000 इसका आएगा। नाउ हम जो है यहाँ पे इसको टैली करेंगे, मीन्स कैलकुलेट करेंगे, दोनों साइड का सेम आना चाहिए, ठीक है, और दोनों साइड का सेम आएगा भी। अगर आप कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेशन करके कर लेना, ठीक है, अभी जब क्लास ओवर हो जाएगी तो आप सब कैलकुलेट करके करना, बिकॉज बेटा मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था ये क्वेश्चन, ओके, इसलिए मैं सारा जो है जो अमाउंट है वो मैं जल्दी बता रही, बिकॉज लाइव क्लास में इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं एक एक चीज कैलकुलेट करते बैठूं, है ना, तो इसीलिए जो है मैं अभी कैलकुलेशन करके रखी थी इसका हर एक को, बस आप लोग को मैं जो है अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो अब इसका जो है आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसका आंसर आएगा 5,90,000, एंड यहाँ पे भी अगर आप कैलकुलेट करोगे 5,90,000। ओके सो दिस इज योर बैलेंस शीट एंड दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके दिस टू आर कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 15 इज कंप्लीटेड। ओके अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू और नॉट, कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट है, एनीबडी हैव डाउट और नॉट? एनीबडी हैव डाउट प्लीज आस्क। बेटा लाइव क्लास इसलिए किया गया है आप लोग के लिए कि आप लोग कोई डाउट है तो फेस टू फेस जो है आप लोग चीजों को क्लियर कर सकोगे एट दैट टाइम, ठीक है, तो बताओ अगर कोई डाउट है तो टेल मी। Anybody have doubt or not? किसी को कोई डाउट नहीं है आप लोग को? Shall I stop this class? Shall I end this meeting or not? Okay, anyway, nobody will reply. So, I will send this question in WhatsApp, means the solution. I will send it in WhatsApp. You will see it, okay? So, now, right now, class is over. Okay, ma'am.